तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। देखिए, एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज क्यों होता है, इसके बारे में पहले जानिए। कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज होता है कि आप लिखे कुछ और दिखे कुछ और। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा मैं यहाँ पे अमाउंट है हमारा, या फिर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ MRP 1500, MRP 1500 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हमने इसको इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसमें मैं +20 करूंगा तो इसमें किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्शी रूल कहता है कि अगर आप किसी सेल में अगर नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया है तो फिर उस पर आप किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूं कि वो 1500 अमाउंट इन द नंबर रहे लेकिन विजिबल MRP 1500 रहे, तो यहीं पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में MRP देते हैं और यहाँ पे एक जीरो या हैश दे देते हैं, तो ये आपका विजिबल है 1500, लेकिन लेकिन ओरिजिनल हमारा 1500 ही है। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज क्यों करते हैं, इस पता चल गया सर निषाद जी? हाँ जी बिल्कुल अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया है आपको क्योंकि आपके बैकग्राउंड थोड़ा सा शोर आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इफेक्ट हो सकती है, इसलिए आपको जब भी कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर, मैं अब हम इसी के कुछ चीजें छोटे छोटे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चेक नंबर हमें लिखना है, तो चेक नंबर में 00 ये डालते हैं, तो देखिए जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं 00 और फिर हम जीरो देते हैं तो एक्सेप्ट होता है। सिंगल कोट लगाने से क्या हुआ, टैक्स हो गया है। तो चलो टाइप की कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको टाइप करके भेज दिया है और उसने जीरो का प्रावधान इसमें नहीं रखा हुआ है, जीरो नहीं रखा हुआ है, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे इसमें जीरो मेंटेन करना है। दिखलास दिया जिसमें हमें जीरो मेंटेन करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 6 है ना, 6 टाइम हम जीरो डाल देते हैं तो डिजिट मेंटेन हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं और मोबाइल नंबर में +91 लगा के आप इस तरह से नंबर लिखेंगे तो +91 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप नंबर आपका लिखा हुआ है और +91 आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि +91 इसलिए लगेगा क्योंकि प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, जैसे इक्वल होता है ना, इक्वल से भी स्टार्ट हो सकता है और प्लस से भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद इसमें यहाँ पे हम +91 और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम जीरो दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं डबल कोई भी नंबर लिखूंगा, जैसे मैं अपना दूसरा नंबर लिखता हूँ, अब देखिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर आपने नंबर कम दिया तो जीरो मेंटेन कर देगा, तो मुझे यहाँ पे इस तरह की चीजें तो चाहिए लेकिन जीरो मेंटेन नहीं करना है, तो जीरो मेंटेन करने से कौन सा नंबर क्या गलत है या सही है इसका पता नहीं चलता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे जीरो के जगह पे हैश दे देंगे, तो हैश क्या करता है, बाकी जीरो के जैसा ही काम करता है बट वो डिजिट मेंटेन नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ऐसे अगर मान लीजिए आप एक यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहे हैं और अकाउंट नंबर बेसिकली 12-14 डिजिट का होता है, तो अगर आप नंबर को लिखते हैं 10-11 डिजिट तक लिखते हैं तो आपको शो करेगा, जैसे 11 डिजिट से ज्यादा आप लिखेंगे 12-13 डिजिट कर देंगे तो वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा। तो इसको नंबर फॉर्मेट में करने का तरीका क्या है, इसमें नंबर फॉर्मेट करने का तरीका है कि आप कस्टम पे जाएं और यहाँ पे आप जस्ट एक हैश यूज कर दे, ओनली फॉर वन हैश। जैसे आप वन हैश रखेंगे यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे आपका नंबर दिख गया। ठीक है सर जी, राजू जी का क्या हुआ, उन्होंने भी मोबाइल चेंज क्यों नहीं किया अभी तक, पता नहीं। अब जीरो और हैश का पंगा फंडा क्या है, अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या क्या बोले सर, अभी जब नंबर दिया मतलब यूज किया था के लिए तो फॉर्मूला है एसएम हैश के लिए, हां तो ये फॉर्मूले चलाया था। नहीं इसकी बात कर रहे हैं आप, उसका पढ़ने का एक तरीका होता है और उसका लंबा प्रोसेस है सर, इसलिए समझने की जरूरत नहीं। हाँ साइंटिफिक फॉर्मेट नंबर नहीं सर, साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आप जो है नंबर जो है 15 डिजिट से जैसे ज्यादा डालेंगे वो आपको जीरो कर देगा। ठीक है, 15 डिजिट से ज्यादा ही डालेंगे तो वो आपका जीरो कर देगा। क्यों, क्योंकि आप अपने हमारा जो एक्सेल है, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, वो नंबर फॉर्मेट में 15 डिजिट को ही ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 15 डिजिट से ज्यादा अगर नंबर है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब जीरो कर देगा उसको। ठीक है, क्लियर सर, कोई डाउट इसमें? अब जीरो और हैश का फंडा समझ लीजिए। जैसे हमने नंबर लिखा, अब तो नंबर यहाँ पे हमने लिखा, इस नंबर के आगे और पीछे अगर मुझे कुछ करना है, ये नंबर के आगे पीछे हमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है, जैसे कि मान लीजिए एमआरपी या कुछ ऐसा लगाना है, तो हमें यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी। ठीक है, अगर मैंने जीरो और हैश कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, तो अगर आपको जीरो या हैश नहीं देते हैं तो आपका नंबर नहीं शो होगा, सिर्फ एमआरपी शो होगा। तो इसके आगे अगर मैं जीरो देता हूं, जो दो बार जीरो दे दिया तो फिर आपको एमआरपी दिख गया, तो मतलब कि आपको नंबर दिखाने, नंबर को शो करने के लिए जीरो या हैश तो देना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो काम नहीं होगा, दो चीज तो आपको देना ही होगा। तो अगर नंबर आप जीरो देते हैं तो आपने एक सिंगल डिजिट डाला तो डिजिट मेंटेन कर देगा, 05 कर देगा, अगर आपने इसमें हैश दे दिया तो फिर वो डिजिट को मेंटेन नहीं करेगा, तो जीरो और हैश तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर सर, अब इसमें क्या है सर कि अब इसको आगे पढ़ने से पहले सर एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा, जी हाँ एक आर्टिकल आपको आगे पढ़ना होगा, और ये आर्टिकल मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ लिंक।
ठीक है। तो इस आर्टिकल को पढ़िए, इस आर्टिकल में पूरा दिया हुआ है कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। तो प्लीज सर इसको एक बार स्टडी कीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे कि आज जो है बाकी लोग भी नहीं आए हैं, मैंने एक बार कल को इन्फॉर्म करके कल से जो है आगे करेंगे। तो एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग का बेसिक कंसेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया है, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर।